अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काजू नमकीन की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम काजू नमकीन बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है। इसी कप से मैं लूँगी 1/4 कप सूजी और मैं डालूँगी इसमें 1/4 कप घी। अगर आप लोगों के पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर के साधारण कप से सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा। अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो आपने घी डाला इसमें वो सही क्वान्टिटी में हुआ है या नहीं? तो उसके लिए जब आप आटा ऐसे लेंगे, ऐसी शेप उसकी आ जाएगी, तो समझ लीजिएगा कि जो इसमें घी हमने डाला है उसकी क्वांटिटी सही मात्रा में हमने डाल दिया। नॉर्मल में जो हम आटा गूंथते हैं, हमें इसका उसे थोड़ा सा हार्ड डो बनाना है। 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम इसे फिर से थोड़ी देर तक बेल लेंगे। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे, लेकिन नॉर्मल रोटी से हम इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर रख देंगे। तो काजू नमकीन बनाने के लिए मैंने ये ढक्कन लिया है, तो ऐसे बनाएंगे हम। ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो इरेगुलर शेप होंगे आप इन्हें साइड में रख दीजिए। देखिए ऐसे बनानी है हमें। देख लिए हमने इनकी बना दिए। अब जो बचे हुए रोटी हैं उसके भी हम ऐसे ही नमकीन काजू बना देंगे। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने तेल गरम कर दिया है, लेकिन आपको ये लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। मैं इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करना है, और जब आप लोगों को लगेगा कि जो तेल है वो ठंडा होने लगा, तो आप फिर से हाई फ्लेम रख दीजिएगा। इसमें जो हीटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए हो गई हमारी काजू नमकीन फ्राई। अब जो बची हुई काजू नमकीन है हमें इन्हें भी ऐसे ही फ्राई करना है। तो लीजिए हो गई हमारी काजू नमकीन तैयार।
मैंने इसे सर्व किया है टमेटो केचप के साथ। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। So if you like my video, give a thumbs up. Also comment, share and subscribe my channel and press the bell icon for more recipes. Thank you.